हुजूर अमीर मिल्लत, इनका नाम सैयद अमीर अशरफ, इनके अलकाब में अमीर मिल्लत, अमीरुल औलिया और खुसूसन की छुछा मुकद्दसा में इन्हें फ़कीरा बाबा के नाम से पहचाना जाता है। ये वो ज़ात है दोस्तों कि जिन्होंने अपनी 40 साल की ज़िंदगी एक कमरे में गुजारी, यानी दुनिया को तर्क कर दिया है। क्यों न करें, तारिकुस सल्तनत की औलाद है, तारिकुस सल्तनत का ख़ानदान है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमतो व रिजवान का फैजान है। दोस्तों अमीरुल औलिया ने अपनी तालीम जामिया नईमिया मुरादाबाद से हासिल की और आपके असातिज़ाए किराम ने सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी और हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी और हुजूर मुफ्ती अब्दुल रशीद अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान जो तसहीलुल मसादिर के मुसन्निफ हैं, ऐसी अजीम शख्सियतों से आपने इल्म दीन हासिल किया है। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिन्द अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान ने अपनी शहजादी सैयदा इकबाल बानो के लिए हुजूर अमीरुल औलिया अमीर मिल्लत जैसी ज़ात को चुना। वो ज़ात जो रहते तो चार दीवारों के बीच में थे लेकिन खबर सारी दुनिया की रखते, जो उनके पास आता उसके आने से पहले उसकी खबर दे दिया करते थे कि वो कौन है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसकी परेशानी क्या है, और यहाँ तक कि उसकी परेशानियों को भी दूर। और ये एक वाकया नहीं, ऐसे हजारों वाकया, बल्कि मैंने अपनी आंखों से इनके आस्ताने पर करामतों को देखा है दोस्त। जब जब कोई जायरीन में से कोई आता मिलता मुलाकात करता तो उसके उस वाकये में कोई ना कोई करामत छुपी हुई थी, बल्कि हर वाकये में मैंने उनकी करामत को देखा है, महसूस किया है।